राजधानी रांची में अगर एक से दो घंटे की तेज बारिश हो जाए तो सड़क जो है कहीं ना कहीं नाले में तब्दील हो जाती है। सही सुना आपने, सड़कों पर घुटने तक पानी जमा हो जाती है। वही नज़ारा देखने को राजधानी रांची की मिली और सड़कों पर जो है देर रात तेज बारिश होने के कारण कई मोहल्लों में, घरों में पानी चले गए। कई मेन रोड पर पानी भर जाने से लोगों की आवागमन में दिक्कत हुई और वैसा ही नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं। वार्ड 30 के मोहल्ला में आए हुए हैं। समस्या यह है कि नाले के ऊपर में जो है स्लैब ढाल दिया गया कुछ दिन पहले, जिसके कारण जो है जल की निकासी, जो तेज़ बारिश हुई तो नाला से पानी की निकासी में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये सभी लोग हैं और कल क्या कुछ नज़ारा, देर रात अगर बारिश आ जाती है तो क्या कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिला? क्या करीब यहाँ सड़क पे 4 फीट पानी हो गया और पूरे घर जो पहले सड़क पे ही पानी हुआ करता था, थोड़े करीब करीब आधे फीट पानी होता था कभी, और आगे जो कलवट बना हुआ गलत तरीके से बना हुआ पहले, उसके लिए भी कंप्लेन किया गया, वो तो समस्या दूर नहीं हुई। और इसको नाली को ढाल दिया गया जिसकी वजह से कि नाली में पानी जाना बंद हो गया, पूरा सड़क पे जल जमाव की समस्या हो गई और सबों के घरों में बहुत ज़्यादा है, लगभग करीब आधा फीट के घरों में, आधा फीट का सड़क पर लगभग 4 फीट का सर पानी हो गया। और ये ढकने की वजह से ये हुआ कि इतना जल का प्रवाह इतना तेज था कि वहाँ से जो स्लैब निकाला हुआ था वो स्लैब बहकर आ गया, जिसमें कितनी गाड़ियाँ बह गई, गाड़ियों को नुकसान हुआ, गाड़ियाँ बीच में बंद हो गई, सबों के घर में घुस गया। सब लोग कोई जो घर में थरिया लोटा बाल्टी लेके पानी बच रहे हैं, सबका रहना मुश्किल, जीना मुहाल हो गया। और इस बात की जानकारी नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, महापौर, उप महापौर, उपायुक्त और व्हाट्सएप के माध्यम से नगर विकास सचिव को भी दी गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ माननीय महापौर महोदया का उनका सिर्फ आश्वासन मिला है। वो आई थी, उन्होंने एक बार निरीक्षण किया और उन्होंने उन्होंने दिशा निर्देश जो यहाँ के ठेकेदार और एई और जेई थे और पार्षद प्रतिनिधि थे, उनको भी उन्होंने कुछ दिया, दिशा निर्देश दिया और उन्होंने डांट डपट किया। आज से लगभग 4 दिन पहले की ये बात है। और इसके अलावा नगर निगम के स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कल रात मैंने इसका उपनगर आयुक्त श्री रजनीश कुमार सिंह जी को इसका वीडियो और ऑडियो भेजा है और मेरी उनसे बात हुई है और उस जिसके ऑडियो क्लिप भी मेरे पास है। और सफाई सुपरवाइजर जो हैं सुबोध कुमार जी, उनका फ़ोन मेरे पास आया था नगर निगम कंट्रोल रूम से। उन्होंने कहा कि मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ, आपके मोहल्ले में मैं आप लोगों का क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने उनको हम लोगों ने अपनी सारी समस्या बताई, लेकिन अभी तो कोई समाधान नहीं हुआ। और मेरी कल रात यहाँ के जो इस वार्ड के असिस्टेंट इंजीनियर हैं मिस्टर गौतम कुमार, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने अपना बेवजह का थोथा तर्क क्या बोले उसे कुतर्क ही कही है उसे उन्होंने दिया और बार बार अपनी लच्छेदार बातों से प्रभावित करने का, कुतर्कों को अपनी जमा बनाने का कोशिश किया, लेकिन अंत में वो बोले अच्छा ठीक है, बोले क्या करें, तो बोले कि सर बोले ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई ठोस आश्वासन दिया। और ये सभी यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ठेकेदार के आपसी मिली भगत है, जिसका खामियाजा यहाँ के मोहल्लेवासी भुगत रहे हैं। क्या स्थिति हो गई अगर देर बारिश? स्थिति ये वाला हो गई है कि जो मेरे घर में कभी पानी नहीं घुसता था वो पानी अब घुस रही है और वो भी घुस रही है तो एकदम ठमना तक पानी आ जा रही है। अगर लगातार बरसेगी तो घर तो बहेगा ही बहेगा ही। जो मेरे घर में पाइप से पानी कभी नहीं जाता था सो पाइप से जा रहा है। मेरा दुकान जो बना है हम ऊंचा किए हैं, वो वाला कभी पानी नहीं आता था, सब पानी मेरे घर में घुस रहा है। क्या कारण मानते हैं? क्या कारण है? यह पुल के कारण हो रहा है, पुल के कारण ही हो रहा है। अब दोनों स्लैब, स्लैब भी बनाया है, कोई ढंग का बनाया नहीं है। बोल के थमक थक गया, हम लोग को पुलिस का धमकी दिया है। क्या धमकी दिया? बोल रहा था कि पुलिस को बुलाएंगे और नहीं तो आप लोग बनाने दो, आपको झूठे कैसे फंसा देंगे। हाँ, झूठा कैसे फंसाएंगे और नगर निगम से घर मेरा तोड़ेगा। मेरा घर में नक्शा नहीं है, मेरा नक्शा नहीं है, पास हुआ है, इसलिए हम लोग को घर तोड़ देगा। जबरदस्ती ठेकेदार ने यहाँ पर आप लोगों को, ठेकेदार नहीं पार्षद किया है, पार्षद हम लोग को बोला है, ठेकेदार पार्षद सब बोला, इंजीनियर बोला है, सब बोला है, यहाँ पर सबों की मिली भगत है, सबको सबों की मिली भगत है। और अभी तक जो यहाँ जल भराव किया या जल जमाव की जो समस्या है वो अभी तक, इसको आप जल महल कह सकते हैं या इसकी जो कि मैंने वीडियो क्लिपिंग भी मैंने दिया है, जो सबों को मैंने
मैंने मैंने जो सक्षम पदाधिकारियों को मैंने जो दिया है, और ये घर में तालाब बन गया है, घर में समान बर्तन रहना, किसी के सबका रहना, सबका रहना। बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास है इस वार्ड में, यहाँ से कुछ ही मीटर पर मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन यहाँ का मोहल्ले का नज़ारा आप देख सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अच्छे VIP या पॉस इलाका आप कह सकते हैं। वहाँ की यह तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से स्लैब देखिए नाले के ऊपर में ढाल दिया गया, और ज़बरदस्ती वार्ड पार्षद पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये स्लैब ढाल दिया गया, अगर नहीं ढालने देने पर अगर मना किया गया लोगों तो कहा गया कि जबरदस्ती हम केस कर देंगे आप लोगों पे। क्या सही बात है, पूरा नारे की स्थिति बनी हुई है हम लोग के मोहल्ला में, स्लैब में लगा के नाला को तुम पूरा बर्बाद कर दिया। हाँ, हम लोग का गली में इधर भी डूबता है, इससे ज्यादा हम लोग का गली, हमारे घर में तो रात इतना इतना पानी था, हम लोग दो बजे तीन बजे रात तक पूरा फैमिली घर से पानी निकाले हैं, इतना पानी। हाँ, रात में ऐसा पानी, कल ऐसा पानी भी नहीं आया, इससे ज्यादा पानी आता था हम लोग का घर में नहीं घुसता था, कभी नहीं घुसता था। और अभी 4-5 साल से देखा जा रहा है कि जब से नाला बना रहा है और नाला को पैक कर दिया जा रहा है, और नाला साफ नहीं होता है, पानी ऊपर से हल्का सा पानी आता है, रोड पे आ जाता है। कितनी बड़ी लापरवाही है कि आप ड्रेनेज सिस्टम पे सवाल है कि रांची जैसे ऊंचे जगह पर आप देख सकते हैं कि नगर निगम लाख दावे करती है कि जल जमाव नहीं होते हैं, लेकिन ये समस्या आप कह सकते हैं कि अब जो है इस स्लैब बनाने के कारण, ये जो स्लैब ढाला गया है, इस स्लैब ढालने के कारण जो है यह समस्या उत्पन्न हुई है लोगों के घरों में। आपने जो स्थानीय लोगों की जो ये समस्याएं को सुना है, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से जो है ये अलकापुरी गायत्री शक्तिपीठ का यह वार्ड 30 का यह मोहल्ला है, और यहाँ देर रात बारिश होने से घरों में जो है पानी चले गए, कारण इसलिए पहले नहीं जाया करते थे कि नाले के ऊपर स्लैब डाल दिया, और जैसे तैसे कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम की आप कह सकते हैं कि पोल कहीं ना कहीं रांची नगर निगम की खुलती है, और ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने के कारण जो है यह समस्या उत्पन्न हुई है। कहिए क्या कुछ नज़ारा हो गया था यहाँ पे? कल बहुत पानी जमा हो गया था लगभग खेवना के ऊपर तक, मैं कल 8 बजे के बाद बारिश रुकने के बाद यहाँ पर आया था, तो 2 घंटे के करीब यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से 4-5 गाड़ियाँ बीच में गिर गई, और जो भी कार आ रही थी उनकी हेडलाइट बंद हो जा रही थी, ऐसा दुर्घटना वाली स्थिति हो गई थी पूरी, और बहुत सारे लोगों का जमावड़ा हो गया था क्योंकि यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। घरों में भी पानी चले गए। हाँ, घरों में बहुत ऊँचे। मैं 30 सालों से यही घर मेरा मौजूद है आगे यहाँ पे, और ये देखिए उसके घर पे ये पहली बार ऐसा स्थिति हुआ। हाँ, घर के अंदर ये पानी घुसा। मैं बस इतना ही जानता हूँ ये फर्जी इंजीनियर और ये वार्ड पार्षद की करतूत है, ये पहले जब से ये स्लैब ढाला गया तभी से ये पानी घुस रहा है, और इसका पूरी जिम्मेदारी उन्हीं को उठानी होगी। उनको तो पता नहीं है परेशानी क्या हम लोग को झेलना पड़ता है, वो तो बना के चल गए, सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं, दिया नहीं है, प्रॉब्लम सब हम लोग फेस कर रहे हैं। उनको हम लोग से थोड़ा मिलजुल के पूछ के बनाना चाहिए था कि क्या सॉल्यूशन लेना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने बस अपना तानाशाही डिक्टेटरशिप दिखाया। कल शाम को जब बारिश हुई थी उसमें, यह आज तक हम लोग यहाँ 6-7 महीने से हैं, कभी ऐसी स्थिति नहीं थी जो स्थिति कल थी। यहाँ तक पानी इस स्टेप को पूरा डुबो दिया था, यहाँ तक पानी था। तो अब पानी की ऊंचाई अगर इतनी हुई तो निश्चित तौर पर जो सामान्य घर आसपास में है जो, हाँ, निश्चित तौर पर वो पानी से प्रभावित होगा, पानी उसके अंदर घुस जाएगा। मंदिर में भी, अंदर में भी पानी नहीं, इसके अंदर तो नहीं गया था फर्स्ट, हाँ हाँ, बाहर पानी और यहाँ तक आ गया था, आज तक नहीं देखा था हम लोगों ने। तो ये स्थिति तो है, इसका मुख्य वजह ये स्लैब ढकना। आप लोग इसी मंदिर के पुजारी? हम इसी मंदिर के पुजारी हैं। तो देखिए मंदिर है यहाँ पर अलकापुरी गायत्री शक्तिपीठ, और मंदिर के में आज तक भी पानी नहीं पहुँचने की बात कही गई थी, लेकिन मंदिर के ऊपर 20 सीढ़ियों तक पानी पहुँचने से कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम कितनी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लचर है। आप कह सकते हैं कि यह मनमानी, ठेकेदारों की मनमानी, वार्ड पार्षद की मनमानी, और नगर निगम की यह लापरवाही के कारण जो है यह घटना घटते जा रही है। मैं जल्द से जल्द लाइव लगातार यह माध्यम कोशिश करेगा, या इस खबर के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करें, ताकि लोगों को घरों में, जो हमारे पीछे आप यह स्थानीय लोग देख रहे हैं, इनकी पीड़ा है, और इनके घरों में देर रात तक पानी जमा होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इस स्लैब के ढाल देने से। नाले के ऊपर स्लैब ज़बरदस्ती ढाल दिया गया, जिसके कारण वाटर ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं होने के कारण लोगों के घरों में पानी चली गई, और जिसका कि खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।